एंड वेलकम टू वॉर सिनेप्लेक्स और मैं हूं आप सभी के होस्ट रुचि राय। आज मैं आपको इस वीडियो में 80 के दशक की एक ऐसी सुपरहिट फिल्म के बारे में बताने वाली हूं जिसकी सफलता ने एक बाप और एक बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया। रिश्ता इस कदर खराब हो गया था कि बाप के अर्थी को भी बेटा कंधा देने नहीं पहुंचा। आप में से जो सिनेमा लवर्स होंगे उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं यहाँ पे किस फिल्म के बारे बात कर रही हूँ और कौन है वो बाप और बेटे। और जिन्हें नहीं पता चला उनको मैं बता दूं, फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली और वो बाप और बेटे थे लेजेंडरी डायरेक्टर एक्टर राज कपूर साहब और उनके सबसे छोटे बेटे और तीसरे नंबर के बेटे और इस फिल्म के एक्टर राजीव कपूर। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का जो बजट था वो 2.25 करोड़ के आसपास था और फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग 19 करोड़ से 20 करोड़ के बीच था। अब आप इस कलेक्शन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई और फिल्म कितनी बड़ी सक्सेसफुल रही होगी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1985 में। इसके अंदर जो एक्ट्रेस थी वो थी मंदाकिनी। फिल्म को डायरेक्ट किया था राज कपूर साहब ने और फिल्म के एक्टर जो थे वो थे उन्हीं के छोटे बेटे राजीव कपूर साहब। फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल हुई कि फिल्म से जो मंदाकिनी थी और जो राजीव कपूर थे वो रातों रात स्टार बन गए। लेकिन इसके बावजूद, इस फिल्म की सफलता के बावजूद, राजीव कपूर अपने पिता से नफरत करने लग गए और उन दोनों के बीच में नफरत का आलम यह हो गया कि जब राज कपूर साहब की मौत हुई तो वो उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंचे। ऐसे मौके पे भी राजीव कपूर साहब ने अपने बाप राज कपूर साहब की अर्थी को कंधा नहीं दिया और ना ही उनसे उनको देखने पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म के बारे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से राज कपूर साहब और राजीव कपूर में इतने सारे डिफरेंसेस आ गए थे। फिल्म सक्सेसफुल हो गई थी, फिल्म से मंदाकिनी हिट हो गई। दरअसल राजीव कपूर चाहते थे कि राज कपूर साहब उनको लेके कोई फिल्म बनाए क्योंकि राज कपूर साहब पहले ही आरके फिल्म के तहत अपने दोनों बेटों को जो रणधीर कपूर हैं और ऋषि कपूर इन दोनों को लॉन्च कर चुके थे और इसीलिए राजीव कपूर चाहते थे कि अब उनके डैडी उनको भी लॉन्च करें। हालांकि इस बात को राज कपूर साहब बहुत टाइम से टाल मटोल कर रहे थे लेकिन राजीव कपूर बार बार उनसे यही बात कहते थे कि उनको लेके एक फिल्म बनाए उनके डैडी जिसमें वो एज ए लीड हों। लेकिन राज कपूर इस बात को इसलिए टालते थे क्योंकि उन्हें लगता था, उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि वो अपने बच्चों को लेके जब फिल्में बनाते हैं तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो इस वजह से राज कपूर साहब फिल्म बनाने से कतरा रहे थे और जो राजीव कपूर थे वो इस बात को लेके उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि उनके फादर उनको लेके फिल्म में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके फिल्म में उनका तीसरा बेटा काम करे और वो बतौर एक्टर लॉन्च हो। और यही गलतफहमी राजीव कपूर के दिमाग और दिल में बैठ गई और धीरे 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 गलतफहमी इस कदर बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पे राजीव कपूर जो थे वो राज कपूर साहब से दूर होने लग गए और बहुत बड़ी गलतियां, मतलब जिसे कहते हैं ना छोटी सी बात का बहुत बड़ा पहाड़ बना लेना, तो राजीव कपूर ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में रखे बहुत बड़ी परेशानी बना ली थी। दरअसल जब फिल्म राम तेरी गंगा मैली सफल हुई तो रातों रात राजीव कपूर और जो मंदाकिनी थी वो स्टार बन गए। लेकिन इसके बावजूद फिल्म का जो क्रेडिट था वो सिर्फ दो लोगों को मिला। फिल्म का क्रेडिट गया फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी को क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, साथ ही साथ उन्होंने बहुत बोल्ड सीन भी दिए थे। आज की फिल्मों में तो ये सब बहुत नॉर्मल है लेकिन उस जमाने की फिल्म 80 और 90 के दशक में उस वक्त जब बोल्ड सीन होते थे तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ा स्टेप होता था। तो मंदाकिनी ने फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन दिए थे तो इस वजह से भी फिल्म जो थी वो सुर्खियों में थी और इस वजह से मंदाकिनी भी सुर्खियों में रही। और फिल्म का सब्जेक्ट बहुत बोल्ड था क्योंकि फिल्म का जो सब्जेक्ट था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी। पहले तो उस वक्त जब कोई वुमेन सिंगल होती थी तो वो सिंगल एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह रखती थी ये बहुत बड़ी बात थी।
दूसरा राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो कालाबाजारी फैली थी, उस चीज़ को उन्होंने, इस मुद्दे को उन्होंने इस फिल्म के जरिए उठाया। तो बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से फिल्म को बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ मिल रही थी। कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया और बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की। तो इस तरह फिल्म की सफलता का जितना भी सारा क्रेडिट था वो सिर्फ राज कपूर साहब को गया और मंदाकिनी को गया। और स्टार होने के बावजूद, फिल्म सक्सेसफुल होने के बावजूद, राजीव कपूर की झोली में कुछ नहीं आया। और इसी बात से राजीव कपूर बहुत नाराज थे। राजीव कपूर को लग रहा था कि उनके डैडी ने, राज कपूर साहब ने, ये फिल्म मन से नहीं बनाई और वो पहले ही मन में बना चुके थे कि शायद मुझे पापा इस फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहते, इसलिए जानबूझ के उन्होंने जितना भी इम्पोर्टेंट रोल था वो मंदाकिनी को दे दिया अपने बेटे को देने के बजाय। इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ये हुआ कि राज कपूर साहब ने राजीव कपूर को कहा कि वो उनकी अगली वाली फिल्म में, जो उनकी नेक्स्ट अपकमिंग मूवी थी, उसके अंदर बतौर एडी यानी असिस्टेंट के रूप में वो काम करे। अब एक फिल्म का एक्टर जो ऑलरेडी उसको लेकर फिल्म रिलीज हो चुकी है, फिल्म बन चुकी है, अब उनको ये नागवार थी ये बात कि मैं एक्टर हूँ, मैं अब फिल्मों में आ चुका हूँ, मैं पर्दे पे दुख चुका हूँ, तो मैं इसके बाद एज ए एडी काम क्यों करूँ। उसके बाद एक और इंसिडेंस हुआ। फिल्म जब प्रेम रोग में राजीव कपूर जो थे अपने पिता राज कपूर साहब को असिस्ट कर रहे थे, तो फिल्म की हीरोइन जो थी पद्मिनी कोल्हापुरी, उस समय राजीव कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के बीच में बहुत सारी नज़दीकियाँ आ गई थी और दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। पहले तो राज कपूर साहब ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वाकई जब उन्हें लगा कि ये मामला सीरियस हो रहा है तो उन्होंने फिल्म की हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी के अपने पास बुलाया और कहा कि अगर वो राजीव से रिश्ता रखती हैं तो वो इस फिल्म से आउट हो जाएं, और अगर उन्हें बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश होना है, इस फिल्म में आना है, तो उन्हें अपने रिश्ते जो है, अपना अफेयर जो है, अपना रिलेशनशिप जो है, वो राजीव कपूर से ख़त्म करना पड़ेगा। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपना रास्ता चुन लिया, उन्होंने अपने करियर को प्रेफरेंस दी और उन्होंने फिल्म को चूज़ किया और राजीव को छोड़ दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो राजीव कपूर के दिमाग में, दिल में धीरे 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 करते घर करती आ रही थी। और उसके बाद ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद भी उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। और इस तरह राजीव कपूर और राज कपूर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के साथ साथ बदनाम भी हुआ कि एक बेटा अपने बाप के अंतिम वक्त में, अंतिम दर्शन के वक्त भी नहीं पहुंचा और ना ही उसकी अर्थी को कंधा दिया। प्रोफेशनली राज कपूर साहब बहुत ज़्यादा सफल रहे, लेकिन पर्सनली उनके ज़िंदगी में ऐसे बहुत से पड़ाव आए, ऐसी बहुत से मोड़ आए जहाँ पे वो तन्हा थे। चाहे वो उनका और नरगिस का प्यार रहा हो, चाहे उनके और परिवार के बीच में कलह रही हो, चाहे उनके और कृष्णा राज जो उनकी वाइफ हैं उनके बीच में बहुत सारे मतभेद रहे हों, और अब उनके और उनके सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का वो रिश्ता जो बदनामी तक पहुँच गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सफल रहता है, जो करियर में बहुत सफल रहे, उसकी निजी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो। ऐसा हम लोगों के साथ भी नहीं होता, आम इंसान है वो भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप नए दर्शक हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जो हम नई वीडियोज़ डालें वो आप तक पहुँचे, और हमारी जो YouTube फैमिली है, जो हमारा आर सिनेप्लेक्स का परिवार है, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे और हमारा परिवार यूं ही बढ़ता रहे, और आप अपना प्यार हमें इस तरह ही देते रहिए।